नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टोटल प्लम्बिंग सॉल्यूशन में। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिससे काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है। इसमें एक नई ट्रिक है जो आप इसको वीडियो को देख के कुछ आप इससे सीख सकते हो। इसमें क्या है, हम जो यहाँ पे अभी खड़े हैं एक 10 साल पुरानी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में जो प्लम्बिंग का जो काम हुआ था 10 साल पहले, इसमें क्या था, जो फिटिंग तो हो गई थी हमारी, लेकिन जो फिनिशिंग का जो काम था पेंडिंग में पड़ा हुआ था। और ये जो पेंडिंग वाला काम आज जाके करने का मौका मिला है मुझे, तो क्या था, वो फेस जो थे गुम हो गए थे। गुम होने के कारण वो फेस मिले नहीं। एक आध सैंपल हमारे पास पड़े हुए थे, तो उस फेस को हमने काफ़ी ट्राई किया लेकिन मार्केट में मिले नहीं एग्जैक्ट साइज़ के। तो हमने क्या किया है, जो हमारा पुराना सैंपल था और जो हम नए फेस लेके आए हैं वो थोड़ा सा बड़ा है, और जो पुराना वाला फेस था वो थोड़े से छोटे थे, करीबन आधा इंची का फ़र्क था उसमें। तो आज हम उस फेस को हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने उस कंसील्ड के अंदर उसको एडजस्ट किया है। एडजस्ट करने के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता था, जो अभी लंबे फेस अगर उसको हम डायरेक्ट लगाते थे, तो जब कंसील्ड ओपन करते थे तो शावर में जो है हमारा पानी प्रॉपर तरीके से आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था। तो क्या था, वो फेस हमारा आधा इंची छोटा था पुराने वाला, और जो नया फेस जो हम लेके आए हैं वो हमारा फेस है आधा इंची बड़ा। तो एक जो ट्रिक थी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा मैं अपने वीडियो की ओर ले चलता हूँ, जिससे आपको पता चल पाए इस फेस को हमने कैसे एडजस्ट किया है। तो ये हमारे फेस हैं जो हम नए फेस लेके आए हैं। इसमें क्या है, जो कि हमारा जो ये पुराना वाला फेस है ये तो बिल्कुल फिक्स साइज़ का है, तो एग्जैक्ट हमें इस साइज़ का हमें मिला नहीं था। तो हमें जो फेस मिले थे ये मिले थे, ये काफ़ी लंबे हो रहे थे, फेस आधा आधा इंची लंबा था। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये कंसील्ड के फेस थे जो शावर ऑपरेट नहीं हो रहे थे। एक और मैं अपने बाथरूम की तरफ आपको ले चलता हूँ, अपना बाथरूम दिखाता हूँ। ये भी बाथरूम ड्राई जॉन वर्जन के साथ है। अपना एंट्रेंस पार्ट में वॉश बेसिन है, फिर बगल में अपनी शीट है, और फिर लास्ट एंडिंग मोमेंट पे अपना शावर एरिया है नहाने के लिए। तो इसमें क्या था, ये हमारा जो कंसील्ड है, कंसील्ड में जो पुराने वाला फेस था बिल्कुल फिट आता था, और जो नया वाला फेस है उसमें क्या था, ये जो रॉड है हमारी ये काफ़ी लंबी थी। इस रॉड को लंबी होने के कारण कंसील्ड हमारा क्या कहते हैं ओपन नहीं हो पा रहा था, ऊपर जो शावर है हमारा शावर में पानी आ नहीं पा रहा था। तो इसी को एडजस्ट करने की आज मैं एक नई ट्रिक आपको बताऊंगा। ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाली है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा अपनी एक ट्रिक दिखाता हूँ। ये जो हमारा पुराने वाला फेस है और ये नए वाला है, तो नया वाला जो हमारा फेस है ये आधा इंची बड़ा है। तो इसी को एडजस्ट करने के लिए हम ये चीज़ थोड़ा घिस लेते हैं या फिर काट लेते हैं, ये जो रोड है इस रोड को, तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज मिल जाता है। इससे फेस को कैसे एडजस्ट किया जाए, कैसे पुराने वाले फेस को नए वाले फेस को पुराने वाले फेस के बराबर किया जाए, तो कुछ इस तरीके से हम फेस एक बार वीडियो में दिखा देंगे हम वो फेस हमारा किस तरीके से काम करता है, नए वाला और पुराने वाला, ठीक है।
जिसका हमारा ओपन है बाथरूम में, ले चलो एक नया वाला ले लो जो अभी आपने एडजस्ट किया है, और एक बिल्कुल फ्रेश फेस ले लो। कोई एडजस्ट किया हुआ फेस है जिसको एडजस्ट कर रखा हो पहले से? ये तो बस हो गया, ये हो गया। बॉक्स वाला ले लो, एक बिल्कुल नया फेस ले लो, और जो एडजस्ट किया है वो वाला फेस ले लो। दोनों को दिखाएंगे हम एक बार लगा के चलो वीडियो में, ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ आए। एक जिसमें पानी आ रहा है ना उस वाले में आप लगाओ जो एडजस्ट करके लाए हो। वाशर लाए हो? वाशर ये बॉक्स पाना है। इस बॉक्स पाने से हमें ये बेनिफिट है, जो हमारा फेस होता है इजीली टाइट हो जाता है। और ये प्रॉपर ढंग से बढ़िया तरीके से मूव कर रहा है। इसका अब हम आपको सैंपल दिखा रहे हैं। एक बार ये शावर की रॉड खोलो, ऊपर से निप्पल सॉकेट खोलो। अभी जो ये हमारा फेस मूव करेगा, नीचे लगाओ, नीचे लगाओ, दूसरा नया वाला फेस लगाओ, नीचे वाला फेस लगाओ। हमें शावर में पानी आते हुए दिखाना है, वो वाला लगाओ, नए वाला जो लेके आए हो, जो मूव नहीं करता है, मूविंग करते हुए उसको दिखाना है, जो मूव नहीं करता है लगाओ उसमें। टाइट करने के बाद मूव नहीं होती है ये चीज़, बिना वाशर के लगाओ, दिखाना है ना, मूव नहीं होती है। और पास ले लो, इसका पानी टपकना बंद करो, पहले बंद कर लो नीचे से। बस ये जब फेस में पानी टपकता है पर पार्ट से, तो उसको बंद करेगा, बंद करने का एक ट्रिक, जो ये ऊपर का हमारा नोज होता है इसको अगर टाइट कर देंगे तो यहाँ से जो पानी टपकता है, लीकेज होता है, वो लीकेज होने की समस्या बंद हो जाएगी। तो अभी हमारा शावर में पानी आने लग गया है,
इसको बंद करके दिखाऊं। अभी हमारा वाल्व ऑफ है, जो लाइन का पानी है उसी पे हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। देखो अभी पानी भी ऑफ हो गया है और ये हमारा फेस बिल्कुल प्रॉपर ढंग से हमारा काम करता हुआ, वर्क करता हुआ। और ये जो नया वाला फेस है, जितना ये मूव कर रहा है वो नए वाला फेस हमारा मूव नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको घिसा नहीं है। इसको अगर हम घुमाएंगे तो हमारे कंसील के अंदर उतनी जगह नहीं है, ये घूम नहीं रहा, लेकिन ये प्रॉपर ढंग से घूमता है। देखो शावर में ऊपर पानी आ रहा है, इसको खोलते ही शावर में ऊपर पानी आ रहा है। इसको बंद कर देंगे तो पानी हो जाएगा बंद। ये देखो पानी बंद हो गया, लेकिन वो हमारा मूव नहीं कर पा रहा है ढंग से। ये जो चीज़ है हमारी, ये मूविंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल टाइट हो रहा है, कंसील में बिल्कुल अंदर तक जगह नहीं है जो मूव हो पाएगी। तो हम दूसरा फेस लगाते हैं, दूसरे फेस में आपको पता चल पाएगा जिसको हमने प्रॉपर ढंग से फिनिशिंग दे रखी है कटिंग करके। अब हमने दोनों कंसील में प्रॉपर वे में दोनों परफेक्ट फेस लगा दिया है। अब ये प्रॉपर ढंग से हमारा दोनों फेस वर्क करेगा। और ये जो पानी टपक रहा है, इसको यहाँ से टाइट कर देंगे तो ये हमारा जो लीकेज हो रहा है ये बंद हो जाएगा। और ये हमारा लीकेज बंद होता हुआ और ये हमारा प्रॉपर ढंग से फिनिशिंग वे में काम हो गया है। आई होप अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलना, जिससे कि जो भी मैं आपको नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज के लिए बस इतना ही, तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।